मौका दिए बोलने का, क्योंकि जी मैं उस पिलर के पीछे मेरी सीट वो स्तंभ है, चलिए, और इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता हूँ। आज गुरुवार 16 फरवरी को संसद के एक सत्र में आजमगढ़ से सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आजमगढ़ के भैरव मंदिर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की मांग रखी। उन्होंने आगे कहा कि आजमगढ़ पर कभी पिछली सरकारों का ध्यान नहीं रहा है, जैसे काशी विश्वनाथ को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया गया, गोरखनाथ मंदिर का विकास हुआ, उसी तरह भैरवनाथ धाम का भी पर्यटन की दृष्टि से विकास होना चाहिए। आपको बता दें कि आजमगढ़ के महाराजगंज बाजार में भैरव बाबा का एक विशाल एवं अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ की मान्यता है कि भगवान शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद काल भैरव दक्षिणमुखी होकर यहाँ विराजमान हुए। काफ़ी पहले से ही यहाँ के स्थानीय लोग इसे एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग सरकार से लगातार करते आ रहे हैं। यह मंदिर कई जिलों में रहने वालों के लिए आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, जो आप एक पिलर पीड़ित सदस्य को मौका दिए बोलने का, क्योंकि जी मैं उस पिलर के पीछे मेरी सीट वो स्तंभ है, चलिए, और इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर पाता हूँ। पिलर पीड़ित, खंबा पीड़ित, चलिए चलिए, आप बात रखिए, एक मिनट के जी, जी मैं अपनी बात रख लूंगा एक मिनट जी। तो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और जैसे मैं पिलर पीड़ित हूं, वैसे ही मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है आजमगढ़, वो भी पिलर ही पीड़ित था। इस वजह से सरकार का वहां ध्यान कभी पहुंचा ही नहीं। और अध्यक्ष जी, जैसे काशी विश्वनाथ का पर्यटन की दृष्टि से विकास हुआ, जैसे गोरखपुर धाम का विकास हुआ, वैसे ही भैरवनाथ धाम आजमगढ़ में है और उसका भी पर्यटन की दृष्टि से विकास होना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। तो आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने पिलर ढा दिया है ताकि सरकार का ध्यान वहां पहुंचे। तो कृपया आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आजमगढ़ का भी विकास पर्यटन की दृष्टि से हो, क्योंकि वहां चंद्रमा ऋषि, दुर्वासा ऋषि, माता अनुसुईया के पुत्र उनके आश्रम है, जो नदियों के कटान से खत्म होने वाले हैं। तो कृपया उसका संपूर्ण विकास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।